हाय। रक्त रंजित का क्रांति। कल्याण में शिवशरण मधुवरस जो पूर्व में ब्राह्मण मंत्री था की पुत्री कलावती और चमार हरणया का पुत्र शीलवंत, इनमें प्यार हुआ। बसवेश्वर जी के मतानुसार एक बार पूर्व जाति त्याग कर दीक्षा लेकर इष्टलिंग स्वीकार करके लिंगायत धर्म स्वीकार करने के बाद वे सभी शिव कुल के सदस्य बनते हैं, अतः वे सभी समसमान होते हैं। अतः उनमें रोटी बेटी का व्यवहार सामान्यतः होना चाहिए। इसी नियमावली या मतानुसार अनुभव मंडप में उपर्युक्त विषय पर बहुत चर्चा करने के बाद उन शरणों ने उन दोनों का विवाह करने का निश्चय किया। इसे सभी शरणों की सहमति थी और उसी दिन अनुभव मंडप में बसवेश्वर बसव तत्व के अनुसार सीधे साधे ढंग से उनका विवाह किया गया। यह बात सनातनियों को कैसे सहन हो सकती थी। उन्होंने राजा बिजल के कान भर दिए कि इस तरह तो वैदिक धर्म डूबेगा, कोई भी जाति धर्म नहीं बचेगा। उच्च कुलस्थ कन्या का विवाह नीच कुल के चमार के पुत्र से करने का मतलब है धर्म डुबोना। इस तरह तो ये निम्न लोग एक दिन हमारे सिर पर बैठेंगे और हम लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। ऐसी बातें कहकर उन्होंने राजा से मधुवरस तथा हरणया को हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मारने का आदेश दिलवाया और यह सब बसवन्ना के कारण ही हुआ है। अगर वे आपके राज्य में रहेंगे तो उपर्युक्त स्थिति आने में अधिक दिन नहीं लगेंगे, अतः बसवन्ना को हद पार सीमा पार यानी तड़ी पार की शिक्षा देना उचित होगा। ऐसे कहकर बसवन्ना को सीमा पार की शिक्षा दिलाई। अविचारी राजा ने अपनी वैचारिक क्षमता खोई थी। हल्के कानों की यही स्थिति होती है। राजा ने बिना सोचे समझे उन लोगों की बातें सुनता गया और सजाएं सुनाता गया। उसूल के पक्के बसवन्ना ने अब ऐसे अविवेकी राजा की नौकरी करना योग्य न समझकर प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। तो खुश होकर सनातनियों ने राजा द्वारा बसवन्ना को हद पार की शिक्षा दिलाई। यह सुनकर बसवन्ना महामने गए। वहां अक्का नागमा और चंद बसवा मिले। उन्हें पूरी घटना सुनाकर अभी उसी वक्त कल्याण छोड़ने की बात कही और कहा कि अब इस राज्य में कब क्या कैसे होगा कह नहीं सकते, अतः सभी शरण गणों को संदेश दीजिए कि वे अपना वचन साहित्य लेकर कहीं अन्यत्र जाकर बस जाए। और उन्होंने उसी वक्त कुडल संगम के लिए प्रस्थान किया। अक्का नागमा ने उनके साथ उनका व्यक्तिगत सहकारी हड़पद अपन्ना को भेजा। बसवन्ना का संदेश और कल्याण की सद्य स्थिति देखकर कुछ शरणों ने कल्याण छोड़कर अन्यत्र जाकर बस गए। शरणगण राजा का अविवेकी व्यवहार देखकर चिढ़ गए थे। यह सब देखकर राजा बिजल ने अपने द्वितीय पुत्र सोवीदेव को राजा बनाया और खुद राज संन्यास लेकर बैठ गए। शरणगण मूलतः सात्विक प्रवृत्ति के होने से कुछ दिनों में वे विधि लिखित मानकर शांत हो गए, लेकिन कुछ युवा शरण गणों के मन में यह क्रोध का क्रोध दबा रहा। यह क्रोध उनके अंदर ही अंदर सुलगता रहा, उबलता रहा। उनका मानना था कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते
तो हमें प्राण लेने का हक भी नहीं होता और हत्या की शिक्षा हत्या ही हो सकती है। ऐसी ही सोच वाले गुट में जयदेव नामक एक युवा था, युवा शरण था। थैंक यू।